अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, शायद आप लोगों को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए, फिलिस्तीनियों को मिटाने के लिए किस किस तरह के मंसूबे अपनाए जा रहे हैं, किस किस तरह से मीटिंगें होती हुई नजर आ रही हैं। यहां तक कि गूगल के इंजीनियरों को बुलाकर उनसे एक नई तकनीक, एक नई टेक्नोलॉजी बनाने की बात कही जा रही है, एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने की बात कही जा रही है। दरअसल अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक इजरायली टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की गई है, वहां पर एक मीटिंग की गई है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। वहां पर एक मीटिंग की जाती है और वहां पर यह बात कही जाती है कि हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनानी है जिससे हमें यह पता चल सके कि फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीनी किस जगह पर छुपे हुए हैं, फिलिस्तीनी क्या कर रहे हैं, फिलिस्तीनी किस तरह से रहते हैं, फिलिस्तीनी इस वक्त कहां पर हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने के लिए गूगल के इंजीनियरों को आमंत्रित किया गया, गूगल के इंजीनियरों को बुलाया गया और उनसे ये बात कही गई है। लेकिन 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 गूगल के इंजीनियरों ने भरी सभा के अंदर फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाना शुरू कर दिए। गूगल के कई इंजीनियर बगावत पर उतर आए। दोस्तों, अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इस तरह की कारगुजारी की जा रही है। दरअसल बहुत सारे ऐसे सबूत सामने निकल कर आ चुके हैं जिनसे हमने आप लोगों को बार बार रूबरू कराया है कि किस तरह से अमेरिका ही इसराइल से गजा के अंदर नरसंहार करा रहा है। गजा के अंदर इसराइल अकेला नरसंहार नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका की मदद से ही इसराइल गजा के ऊपर गोलाबारी कर रहा है। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं। और एक और वीडियो जो अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसराइली टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके अंदर गूगल के कई इंजीनियरों ने बगावत कर दी और उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और भरी सभा के अंदर खड़े होकर वो फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाने लगे। शायद आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ रेफरेंस लेकर, सबूत लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ओरिजिनल आवाज के साथ सुनिए, जिसके अंदर गूगल के कई इंजीनियरों ने इस बात की बगावत कर दी कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कतई नहीं करेंगे। आप लोग वीडियो देखिए। And I refuse to build technology that powers genocide, apartheid, or surveillance. Project Nimbus puts Palestinian community members in danger. I refuse to build technology that's going to be used for cloud apartheid. No cloud for apartheid. No tech for apartheid. Free Palestine. Going, be resilient, and keep on. Google is complicit in Israel. दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक लड़का या इंजीनियर और फिर उसके बाद एक महिला किस तरह से फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाने लगती हैं। अनाया खान करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने इस वीडियो को इस टाइटल के संग शेयर किया है। आप लोग वीडियो देखिएगा आखिर इसके पीछे मंसूबा क्या है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। वीडियो आप लोग देखिए। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित इजरायली टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक गूगल इंजीनियर ने कहा कि मैं ऐसी तकनीक बनाने में कभी भी साथ नहीं दूंगा जो मासूम फिलिस्तीनियों के नरसंहार और निगरानी का अधिकार देती है। इस तरह का वहां पर टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने की बात कही जा रही है कि कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे फिलिस्तीनियों पर निगरानी रखी जाए। आप लोग समझ सकते हैं, इसराइल ताबड़तोड़ मिसाइलें दागता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही इसराइल की तरफ से इस तरह की चेतावनी दी जा चुकी है कि राफा शहर के ऊपर रमजान में हमला करूंगा और ऐसा हमला करूंगा कि उनकी पुश्तें याद रखेंगे। लेकिन अब निगरानी करने की इसलिए बात कही जा रही है ताकि पता चल सके कि फिलिस्तीनी किधर किधर किस किस टाइम पर होते हैं, ताकि इनडायरेक्टली उनके ऊपर हमले किए जा सके, उनके ऊपर सीधे सीधे मिसाइल दागे जा सके। यही एक मंसूबा हो सकता है, लेकिन गूगल के इंजीनियरों ने इनडायरेक्टली साफ तौर पर बगावत कर दी और फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए। अब ये तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर से सामने निकल कर आई है। क्या इस पर भी अमेरिका के जो बाइडन यही बात कहेंगे कि हमें नहीं लगता कि गजा के अंदर नरसंहार हो रहा है? आखिर ऐसी क्या जरूरत इसराइल को पड़ रही है कि वो फिलिस्तीनियों के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार कराना चाहता है? आखिर इसराइल के नेतन्याहू को इस चीज की क्यों जरूरत पड़ रही है कि वो ये चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों पर निगरानी रखी जा सके, कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस तरह की टेक्नोलॉजी का बनाना सही है या गलत है? बाकी आप लोगों के सामने हमने ये रिपोर्ट रखी है। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।